हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोल सेक्टर में हुए रिफॉर्म्स के बारे में, इसके अलावा कमर्शियल माइनिंग के बारे में, और इन सब का क्या इफेक्ट होने वाला है कोल इंडिया पर। क्या कोल इंडिया की जो मोनोपोली है कोल सेक्टर में, क्या वो ख़त्म हो जाएगी, यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट या इशू जो है उसको समझते हैं, क्या न्यूज है। तो न्यूज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कोल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे कि नंबर वन रिफॉर्म है कि उसने 100% FDI अलाउ कर दिया है कोल सेक्टर में। इसके अलावा कमर्शियल माइनिंग को अलाउ कर दिया है। इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कोल माइनिंग की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसको रैशनलाइज कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और जो रिफॉर्म्स हैं जैसे कि रिवेन्यू शेयरिंग जो मॉडल होता है उसको अलाउ किया है। तो इन सब का क्या इफेक्ट होने वाला है कोल इंडिया पर, यही सब हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो इससे पहले इसका ये सब करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो इंडिया है उसके पास कोल का जो कोल के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जो इंडिया के पास कोल के जो रिजर्व हैं वो लगभग 300 बिलियन टन से भी ज़्यादा प्रूवन रिजर्व हैं, और हमारी जो अभी का कंजम्पशन है वो लगभग 1 बिलियन टन है। तो इस रेट से अगर हम इसको खर्च करते रहें तो ये जो कोयला है ये 300 साल से ज़्यादा तक चलने वाला है। लेकिन जैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ये सब इश्यूज़ है, इसके कारण कोल जो है इतने लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो फिलहाल का प्रोडक्शन है वो लगभग 770 मिलियन टन के आसपास है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अभी फिलहाल 1 बिलियन टन है। तो इसका मतलब कि अभी भी हम अपना जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अभी भी हम 200 से 250 मिलियन टन के आसपास डेफिसिट कर जा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कोल जो है वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जब कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो उसमें हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो जाता है, जो कि लगभग 2.7 लाख करोड़ के आसपास है। तो गवर्नमेंट का लॉजिक ये है, जब हमारे पास इतना कोल हमारे पास रिजर्व में है तब भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, और जिसमें कि गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने ही कोयला जो हमारे पास है रिजर्व में उसको यूज़ करें। तो कोल इंडिया उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जितना कि हमारा कंजम्पशन है। तो एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इस सेक्टर में कंपटीशन क्रिएट करना चाहती है कि ये सेक्टर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बने, थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और इस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी आए जिससे जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सेफ हो, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन हो। तो इसलिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रही है। और जो तीसरा जो लॉजिक है जो गवर्नमेंट का, जो हमारी डिमांड है, अब ऐसा नहीं है कि हमारी डिमांड हमेशा ही 1 बिलियन टन की रहने वाली है। हम आगे की जो फ्यूचर की जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं उसमें कोल है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। इसका रीजन ये है, एक तो हमारी जो हम एक नई पॉलिसी आई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन चाहिए और उसके लिए पावर का यूज चाहिए। तो पावर का यूज चाहिए तो इसका मतलब कोल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब हमारा इम्पोर्ट भी बढ़ने वाला है। तो इसी इम्पोर्ट को कम करने के लिए भी ये हमारे पास लॉजिक दिया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इससे पहले प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं था? बिल्कुल अलाउ था, प्राइवेट सेक्टर को पहले भी माइनिंग करना अलाउ था, लेकिन वो कैप्टिव माइनिंग कर सकते थे। कैप्टिव माइनिंग का मतलब है जैसे किसी पावर प्लांट को अपने कंजम्पशन के लिए कोयला चाहिए तो वो माइनिंग कर सकते थे, लेकिन या जैसे कोई स्टील प्लांट है उसको अपने कंजम्पशन के लिए कोयला चाहिए तो वो माइनिंग कर सकते थे, लेकिन वो उसको ओपन मार्केट में उस कोयले को बेच नहीं सकते थे। जो कोयले का बेचने का जो अधिकार है वो हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, वही कोयला निकाल सकती थी और उसको ओपन मार्केट में बेच सकती थी। तो इसमें जो मेजर प्लेयर थे, अभी फिलहाल जो मेजर प्लेयर थे वो थे CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, और इसके अलावा SCCL यानी सिंगरेली कोलफील्ड लिमिटेड। ये दो मेजर प्लेयर थे जो लगभग जो कोल इंडिया इसमें 80% से लगभग 80% के आसपास
जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो कोल इंडिया करता था। तो अब इसके बाद क्या फ्यूचर है कोल इंडिया का? अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसके बाद क्या कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म हो जाएगी? क्या कोल इंडिया, अब कोल इंडिया का फ्यूचर अच्छा नहीं है? ये सब हम बात करेंगे उसमें। तो हमारे पास क्या है कि जैसे ही जैसे अभी 50 ब्लॉक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करने वाली है, ई ऑक्शन करने वाली है, तो वो किसी प्राइवेट कोई उसको प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, फिर उसके बाद उसकी माइनिंग होगी। तो एलोकेशन यानी कोल ब्लॉक जो एलोकेशन होता है और उसके बाद एक्चुअल माइनिंग होती है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, उसके लिए बहुत सारी क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं उसके बाद भी, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज है, उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट क्लियरेंसेज हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं, जैसे CTO सर्टिफिकेट टू ऑपरेट, ये ऐसी बहुत सारी क्लियरेंसेज हैं जो लेनी पड़ती हैं। कोल इंडिया को इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल है। कोल इंडिया ये हमेशा से ये सब करता आया है, बहुत सालों से ये सब चीज़ें करता है। इसके अलावा कोल इंडिया की एक्सपर्टीज है कोल फील्ड में ही, उसको एक्सपर्टीज है कोयला निकालने में, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोल इंडिया को हम वीकन नहीं करना चाहते हैं, हम इसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि कोल की डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, तो उसके लिए कोल इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग कोल इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है उस डिमांड को मीट करने के लिए। इसलिए इस अभी जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 50,000 करोड़ रुपये कोल इवैक्यूएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम खर्च करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? जब माइन से कोयला निकालते हैं तो उसको रेलवे साइडिंग तक ले जाना होता है, तो उसको ले जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो हम ट्रक से उसको ले जा सकते हैं, या फिर हम बेल्ट कन्वेयर का यूज करके उस कोयले को साइडिंग तक ले जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है 50,000 करोड़ रुपए से, कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि पोल्यूशन कम से कम हो, यानी कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम कुछ इस तरह का लगाना चाहती है ताकि इससे कोल इंडिया को भी स्ट्रेंथनिंग हो। इसके अलावा जो 50 ब्लॉक एलोकेट होंगे ई ऑक्शन के थ्रू, वो 50 ब्लॉक को मेटलाइज होने में यानी उसकी एक्चुअल माइनिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोल इंडिया के पास फिलहाल ही 463 ब्लॉक्स हैं कोल के, जो कि ऑपरेशनलाइज हैं, जिससे कोयला निकल रहा है। तो कोल इंडिया इस मार्केट में पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फिर इसके बाद इसके डिसएडवांटेज, कोल इंडिया को क्या क्या कहाँ पे कोल इंडिया वीक रह सकता है, वो भी हम इस चीज़ में समझने वाले हैं। तो कोल इंडिया जो कोयला निकालता है उसका पर टन कोस्ट निकालने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका बहुत सारा हिस्सा सैलरीज में, एम्प्लॉय वेलफेयर में और जो डीजल कंजम्पशन और इन सब चीज़ों में जाता है। तो ये एक कोल इंडिया के लिए सरदर्दी की बात हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अगर आएंगे तो वो इस कोस्ट को रिड्यूस करके और बहुत कम रेट पर कोयला निकाल सकते हैं, जो कि कोल इंडिया को एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को एक समराइज करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोल इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिलहाल के लिए कोल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस कोल माइनिंग के फील्ड में, क्योंकि अगर ये कोल ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर आ भी जाएंगे तो हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी माइनिंग स्टार्ट कर दे। पहले तो प्राइवेट प्लेयर का आना ही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो ये कोल सेक्टर है, हम जैसे इंटरनेशनली देख रहे हैं कि सभी जो कंट्रीज हैं वो दूसरे जो पावर रिसोर्स जो पावर प्रोड्यूसिंग रिसोर्स हैं उन पे स्विच कर रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये इंडिया के लिए भी वार्निंग है कि आप अपना जो ये चीप और इन्वायरमेंट जो पोल्यूटिंग फ्यूल है इसको आप कम करिए, ये एक तरीके से है। तो प्राइवेट सेक्टर इतनी इजीली इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो ऑल इन ऑल कि कोल इंडिया के पास अभी इस फील्ड में बहुत बड़ा एडवांटेज है, अभी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।